बर्गर खाने का हमारा जब भी मन होता है तो हम क्या करते हैं, या तो हम KFC में जाते हैं या फिर हम मंगवा लेते हैं मैकडॉनल्ड की बर्गर। तो आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो दोनों से ही बेहतर और बहुत ही आसानी से बन जाएगी, इतनी फटाफट बन जाएगी कि अगर कोई गेस्ट भी आ गया ना तो आप उसे जल्दी से बना के खिला सकते हैं और बहुत सारी तारीफें ले सकते हैं। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हैं आप सब। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ। सबसे पहले तो आप KFC वाली बर्गर ले लें, बर्गर पाव। तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने नॉर्मल वड़ा पाव वाले पाव ले लिया है, बट ये भी बहुत अच्छा है। देन फिर क्या करना है आपको, इस तरीके का जो हमारा बिल्कुल बोनलेस चिकन होता है वो ले ले। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बिना विदाउट मेज़र, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेज़र नहीं किया था इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगी। और लेना है फिर एक अंडा, अंडा मैंने ले लिया है जर्दी के साथ ही और उसे अच्छे से घोल लेंगे। इसके बाद यहाँ पे लेना है मैदा, खाली मैदा, मैदे में अभी आपको कुछ नहीं करना है। देन आपको अपने मनपसंद के सॉसेज ले लेने हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लिए हैं दो तरह के मायोनीज, एक है तंदूरी वाले और एक है प्लेन वाले, और मैंने लिए हैं ब्लैक पेपर पाउडर और नमक। इसके बाद चिकन के सारे स्लाइस को इस तरीके से लंबा लंबा फिंगर की तरह इस तरीके से कट कर ले। ये बिल्कुल आपको KFC वाले जो बर्गर बनते हैं ना उसमें जो होते हैं चिकन के फ्राई पीसेस, बिल्कुल वैसे ही होने चाहिए। इसके बाद अंडे में हम डाल देंगे नमक और ब्लैक पेपर और अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। तो इस तरीके से आप अंडे को अच्छे से फेंट ले ताकि हमारा नमक और ब्लैक पेपर अच्छे से अंडे में मिल जाए। बस अब कुछ नहीं करना है, बिल्कुल तैयार है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से चिकन के पीसेस को हमें डिप करना है अंडे में और देन इसको डालना है गेम जो हमारा मैदे का पाउडर है मैदे में, इसमें डालना है और इसे भी अच्छे से कोट कर लेना है। तो आप क्या करें, स्पून से भी कर सकते हैं, हैंड से भी कर सकते हैं, तो मुझे ज़्यादा आसान लगता है हाथ से ही करना, तो मैं हाथ से ही करती हूँ। और इस तरह से कोट करके अच्छे से मैदे को बहुत ही अच्छे से कोट करना है और इस तरीके से सारे पीसेस को आपको कर लेना है, रख लेना है करके। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारे चिकन के पीसेस को अच्छे से अंडे में और हमारे मैदे में कोट करके रख लिया है। अब क्या करते हैं कि आप इसे फ्राई करेंगे। देखिए कोई भी झंझट नहीं करना है, बिल्कुल मैरिनेट का झंझट नहीं है, किसी तरह के पानी में जैसे नमक के पानी में चिकन को सोख करके रखते हैं तो वो भी नहीं करके रखना है। बहुत ही फटाफट से बन जाएगी, बहुत ही जल्दी से बन जाएगी। मैंने आपको बताया कि गेस्ट आएंगे ना तो गेस्ट को आप फटाफट से बना के दे सकते हैं और सच में ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बिल्कुल जूसी बनेगी। आप बिल्कुल से बेफिक्र रहे और इसे मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे, आप मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी और अंदर तक बिल्कुल पकी हुई रहेगी और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो इस तरीके से मैंने क्या किया था, पाव को बीच से कट कर लिया था। अगर आप बर्गर पाव लेते हैं ना तो वो ऑलरेडी कटी हुई होती है, तो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल पाव ले ली है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड पे मैंने मायोनीज लगा लिया है, साथ साथ में मैं अपने चिकन को ना अलट पलट कर रही हूँ ताकि वो जले नहीं, लेकिन आपको बिल्कुल ब्राउन सा जो कलर होता है ना, बहुत ज़बरदस्त कलर होता है, वो उसमें उतारना है। तो आपको लगातार उसे चलाते रहना और देखते रहना है। देखिए ओवर कुक नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम से थोड़ा कम कर दीजिएगा, ठीक है। तो वो मेरा हो चुका था तो मैंने निकाल लिया है। अब इस तरह से मैं यहाँ पे सारे पीसेस को इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस को यहाँ पे पाव पे ऐड कर रही हूँ। देखिए ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तंदूरी मायोनीज़। अगर आपके पास तंदूरी मायोनीज़ नहीं है तो आप अपने मनपसंद की कोई भी सॉस डाल सकते हैं, सॉस आपके मनपसंद की होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको खाने में अच्छी लगनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है हमारा तंदूरी मायोनीज़। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ चीज़। अगर चीज़ आपके पास स्लाइस वाली हो तो आप डेफिनेटली स्लाइस वाली भी डाल दें, यहाँ पे मेरे पास नहीं थी तो मैंने क्यूब वाली ग्रेट करके डाल दी है। देन मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ऑरिगैनो, अगर ऑरिगैनो नहीं है तो मिक्स हर्ब डाल दे, कुछ भी डाल दे, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। इसके बाद क्या करना है, बस कर देना है इसे बंद। ये बन गया हमारा बिल्कुल KFC वाला जिंगर फ्राई बर्गर, ये बहुत ही टेस्टी है। ऊपर से आप लगा दे टूथपिक ताकि सारा जो है ना हमारा इकट्ठे रहे, वो खाने में बिल्कुल भी आपको टूटे नहीं, गिरे नहीं। और अब क्या करना है, हल्के से इससे विदाउट ऑयल इसे सेक देना है ताकि जो है ना थोड़ा गर्मा गर्म खाने में पाव
मिले। तो दिन ये हो चुका है बिल्कुल तैयार। आप एक बार इस रेसिपी को डेफिनेटली ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, आपके घर वालों को ये बहुत पसंद आएगी। आप एक बार ट्राई करें, आप मुझे कमेंट करेंगे और मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरे कर दे चैनल को सब्सक्राइब, कर दे बेल आइकन को हिट, ताकि नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन को मिल जाए। अब देन आप कर दें इसे, आपको करना है लाइक, शेयर, कमेंट करके डेफिनेटली बताएं, ताकि इससे क्या होता है ना कि मुझे भी पता चले कि आपको मेरी ये रेसिपी या मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। तब तक के लिए बाय।